हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति आर्ट क्राफ्ट DIY। इस मानसून पे भारी बारिश के साथ आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। आज मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा होम डेकोर बताया है, जो कि आप घर पर ही रेडी कर सकते हो अपने घर पर पड़े हुए कबाड़ से। जैसे मैंने यूज़ किया है, फोर मैंने इस टाइप की स्टिक ले ली है जो कि मेरे घर पर ऑलरेडी रखी हुई थी, और मैंने उन्हें जो है इस तरह से फिक्स कर दिया है। मैंने एक्चुअली इसे ट्राई किया था कि नल के हेल्प से मैं इसे फिक्स करूं, लेकिन ये हो नहीं पाया, काफ़ी पतला था वो स्टिक। तो फिर मैंने इसमें जो है ग्लू गन और इसमें जो कलर की वेस्ट बॉटल होती है ना, उसका यूज़ किया है मैंने इसके चार पैर बनाने के लिए। अच्छा, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं एक चारपाई बना रही हूँ ट्रे, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। सो ये मैंने चारपाई वेस्ट जरूर से रेडी की है। इसे आप ट्रे की जैसे या फिर एज ए सो आप इसे सेंटर टेबल पर या आप कहीं भी इसे डेकोर कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा। अच्छा, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, सिर्फ आपको ले लेनी है फोर स्टिक्स, ग्लू गन और कलर की बॉटल्स, और थोड़े से थ्रेड चाहिए आपको। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया है कि मैंने इसे कैसे बनाया है, आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये तो रेडी हो चुका है। तो मैंने इस तरह की भी मेरे पास सनमाइका और रखी हुई थी, तो मैंने उसका यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई आप थिक सा कार्डबोर्ड ले लीजिएगा और आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप वॉलपेपर लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे लगाया है, इसको जो है शेप में कट करके अंदर की तरफ से हमें इसको फ़िक्स कर देना है। ग्लू गन की हेल्प से ही इसे मैंने फ़िक्स किया है। मेरे पास छोटे छोटे जो है वुडन की बीड्स रखी हुई थी, तो मैंने उसका यहाँ यूज़ किया है ताकि ये रियल चारपाई लगे। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ चारों तरफ फिक्स कर दिया है। और लास्ट में मैंने मेरे पास साड़ी ली थी, तो उसका कवर में जो है ना कुछ पैटर्न बना हुआ था, तो मैंने उस पैटर्न का भी इसमें यूज़ किया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वॉलपेपर या कोई भी अच्छा सा ब्यूटीफुल पेंटिंग भी आप जो है इसमें कर सकते हो। अब यहाँ पे जो होल मैंने बनाया है उसमें मैं थ्रेड यूज़ करूँगी।
मुझे लगता है कि हमारे घर पर काफ़ी सारी जो है वेस्ट चीज़ें निकलती है, जिसे कचरा भी होता है, लेकिन अगर हम उसका जो है अच्छे से यूज़ करें तो वो ही हमारे घर को जो है अब बहुत ब्यूटीफुल बना देता है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले एक बार ट्राई ज़रूर करें कि इससे हम कुछ चीज़ बना सकते हैं, तो आप आइडिया ले सकते हैं मेरे वीडियो और मेरे चैनल पर विज़िट करके। यहाँ पे मैंने कॉपर कलर कर दिया है बॉटल्स में, आप चाहे तो पूरी चारपाई में अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं 3D आउटलाइनर से। मैंने इसे सिंपल ही रखा है और ये अब तैयार है आपका होम डेकोर आपके घर को और इन्हेंस करने के लिए। और इस तरह के डेकोर आइटम जो है आप सेंटर टेबल पर एज इट या फिर कहीं भी आप इसे डेकोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने इस तरह से इसे डेकोर किया है, मैं बाद में इसे और भी अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगी, मैं वो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या सीखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।